गुड मॉर्निंग माई डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8. टूडे वी विल डिस्कस चैप्टर 9 एडजेक्टिव्स. सो वट इज एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन बाई डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग और क्वांटिफाइंग वर्ड्स. एन एडजेक्टिव यूजुअली प्रीसीड्स द नाउन और द प्रोनाउन विच इट मॉडिफाइज. एन एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन. एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है और जीजन आमतौर पे नाउन और प्रोनाउन के आगे ही यूज होता है. जैसे ब्यूटिफुल आईज, ओके, टाइनी हैंड. सो इन दिस टाइनी इज द एडजेक्टिव. सो लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 1. सर्कल द एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस एंड स्टेट व्हाट टाइप ऑफ नाउन इट इज डिस्क्राइबिंग. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. इसमें बच्चे आपने एक तो आपको स्टेटमेंट गिवन आएगी, इसमें आपने ये बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा है और ये कौन से नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है. ओके, द शाइनी स्पेस शिप लैंडेड इन माई यार्ड. सो एडजेक्टिव इज शाइनी एंड इट डिस्क्राइब्स स्पेस शिप. स्पेस शिप कैसा है? शाइनी है. नेक्स्ट, एन एलियन विद बिग आईज वॉक्ड आउट ऑफ द शिप. बिग इज द एडजेक्टिव ऑफ आईज. इट वेव्ड इट्स टाइनी हैंड इन द एयर. सो हैंड इज नाउन एंड एडजेक्टिव इज टाइनी. द एलियन सेड अर्थ इज सच अ ब्यूटिफुल प्लैनेट. सो ब्यूटिफुल इज द नेम एंड सॉरी ब्यूटिफुल इज द एडजेक्टिव एंड प्लैनेट एंड अर्थ बोथ आर द नेम्स. सो इट डिस्क्राइब द अर्थ प्लैनेट. ओके, नेक्स्ट, अ ब्राउन रैबिट हॉप्ड इनटू द यार्ड एंड स्केयर्ड द एलियन. सो नाउन इज रैबिट एंड एडजेक्टिव इज ब्राउन. द फ्राइटन्ड एलियन रैन बैक इनटू इट्स स्पेसशिप एंड ब्लास्टेड ऑफ. फ्राइटन इज एडजेक्टिव एंड एलियन इज नाउन. सो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स. देर आर वेरियस काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स. यू कैन ऑलरेडी लर्न सम अबाउट सम काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स इन योर प्रीवियस क्लास. सो दीज आर द काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स. फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मीन्स विच शोज अस द क्वालिटी ऑफ द नाउन. देन क्वांटिटी, जो मात्रा बताता है. देन नंबर, जो नंबर को बताता है, जैसे फर्स्ट, ईच, फ्यू. ओके, देन डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस इज टी एच फैमिली. देन पोजेसिव एडजेक्टिव्स, दैट इज माई, योर, माइन, हिज, हर. पोजेसिव जो किसी का अधिकार बताता है. देन इंटरोगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली, हुज, विच, वट. देन इम्फेसिंग एडजेक्टिव, ऑन, बिजनेस, वेरी, लॉट. ओके, सो नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद द नाउन टू आस्क क्वेश्चन. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव डिफर फ्रॉम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इन द मैनर दैट द फॉर्मर इज फॉलोअर्ड बाय अ नाउन इन द सेंटेंस. व्हाट टाइम इज इट? हूज शर्ट इज दिस? सो दिस इज द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. फर्स्ट वन, डैश बुक. डिड यू बाय एट द बुक फेयर? विच बुक? फोटोग्राफ इज दैट वन ओवर देयर? इज इट योर? हूज फोटोग्राफ? डैश कलर्स आर देयर इन द रेनबो? व्हाट कलर्स आर देयर इन द रेनबो? अदरवाइज हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो? सो यू कैन यूज डिफरेंट वर्ड्स
एज द एडजेक्टिव. सो बच्चे इन ऑल दिस इन दिस एक्सरसाइज ऑल दिस सेंटेंसेस आर स्टार्टेड विथ डब्ल्यू एच. ओके सो नेक्स्ट इज इम्फेसिंग एडजेक्टिव. An emphasizing adjective is used to emphasize statements. It heightens or reduces the effect of the noun they are modified, even if they are taken away. The sentence will still make complete sense. It is sheer nonsense. Clearly, it is the emphasizing word sheer is removed. The statement means it is nonsense. Some of the other emphasizing adjectives are utter, such, absolute, total. Okay, so these types of the words when we use, that is known as emphasizing adjective. Now let us look at the exercise of this adjective. So in the heading it's mentioned beta emphasizing adjectives. First sentence, this is the dash book that I wanted to buy. This is the same book that I wanted to buy. The comparison was a total success. I saw all this with my very eyes. This is the very man who was disturbing the meeting. Mind your own business. After the accident, there was absolute confusion on the road. Ramesh was impressed by her sheer honesty. He is the very boy who has done his work. It is utter foolishness to break traffic rules. The town was engulfed in total darkness. So bachche, next is underline the adjective in the following sentence. Okay, we are going to write down only underline the adjective. Aapne sirf underline hi karne hai. Next part humne cut kar diya, state their kind. So it will be little bit confusing for you. So this is simple one. First of all, try to understand that which adjective is used for whom. This room has been decorated by my father. Which room? This room. By whom? By my father. So this and my are the adjectives. He slipped on the wet ground. Wet is the adjective. Those men are not very strong. Those is the adjective and very is the adjective. I would like some coffee. Some is adjective. Jay gave his own pen to Vijay for the examination. On pen. Next sentence. Many children like dinosaur. Many. She is the only girl who has finished her project on time. Only. King Robert Bruce was a brave soldier. Brave. Today is the last day of the festival. Last. There is much ketchup left in the bottle. Much. Next is formation of adjective. How we form these? These are mostly formed by adding the suffix. जब हम इनके पीछे suffix लगा देते हैं तब ये form होते हैं. देखो कैसे. Advise, advisable. Comfort, comfortable. Favor, favorable. Love, lovable. तो यहाँ पे able का use हुआ है बच्चे. Next, able. Accessible. Contemptible. Permit, permissible. Terror, terrible. Next, al. Accident, accidental. Ottoman, ottomanal. Biology, biological. ओके सो दीज ऑल आर गिवन एंड लर्न दिस बाय हार्ट. इनको आपने अच्छे से ध्यान से करना, याद करना पूरा ये दोनों पेजेस. नेक्स्ट इज
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. जो आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं इन्हीं से आपने फॉर्म करने हैं. फर्स्ट वन वर्थ वर्थी, डेंजर डेंजरस, क्वारल क्वारलसम, नीड नीडी पीपल. क्लियर बच्चे? नेक्स्ट इज फ्रेंड फ्रेंडली, टॉक टॉकेटिव, बल्लभ बल्बस, मंथ मंथली, चाइल्ड चाइल्डिश, कंफर्ट कंफर्टेबल. देन नेक्स्ट इज कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन मींस इसमें डिग्री आ जाती है बेटा. जैसे हम ईयर एंड ईएसटी लगा के करते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एडजेक्टिव, देन कंपैरेटिव, देन सुपरलेटिव. इन पॉजिटिव एडजेक्टिव वी यूज सिंपल वर्ड, इन कंपैरेटिव वी यूज मोस्टली ईयर और मोर, इन सुपरलेटिव वी यूज ईएसटी और मोस्ट. ओके, मोर एंड मोस्ट. रीड इट बाय योरसेल्फ एंड वेरी वेरी केयरफुली. ओके बच्चे, आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.